नाउ टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक टॉर्च। इलेक्ट्रिक टॉर्च के बारे में हम सब कुछ देखेंगे कि टॉर्च बनी कैसे होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, और साथ ही में ऑन और ऑफ पोजिशन आपको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको स्विच, पूरा स्विच जो इलेक्ट्रिक हमारा स्विच होता है पूरा का पूरा, वो आपको एक टॉर्च के अंदर दिख जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्या दिया। एन इलेक्ट्रिक टॉर्च इज अ सिंपल सर्किट दैट कंसिस्ट ऑफ अ बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल एंड अ स्विच। पता है हमें यही चीजों की जरूरत होती है। एक बल्ब दिया होता है, आगे इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, दो सेल हम डालते हैं टॉर्च में, और स्विच होता है ऑन और ऑफ करने के लिए, स्विच भी दिया जाता है। व्हेन यू स्लाइड अ स्विच टू इट्स ऑन पोजिशन, द मेटल स्विच कनेक्ट्स आर कनेक्टेड टू कंप्लीट द सर्किट एंड द बल्ब ग्लो। जैसे ही आप स्विच को ऑन पोजिशन पे ले जाते हैं, ठीक है, स्लाइड स्विच दिया हुआ ही है, आगे ऑन होता है पीछे ऑफ होता है, वो सबका अपने अपने टॉर्च का सबका अलग अलग सिस्टम होता है। अगर आपने ऑन पोजिशन पे ले गए तो स्विच के नीचे ही एक मेटल चीज होती है, मेटल का एक स्ट्रिप होती है जो कनेक्टेड रहती है, वो क्या करती है, अंदर की जो वायरिंग है उन्हें कनेक्ट करती है। ठीक है, उसी की वजह से ऑन और ऑफ पोजिशन आता है। ठीक है, तो ये ऑन और ऑफ पोजिशन आया, ऑन जब किया आपने तो सर्किट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, और जब क्लोज सर्किट होता है तो वो क्या होता है, क्लोज सर्किट के अंदर बल्ब ग्लो कर जाता है। व्हेन द स्विच स्लाइड टू ऑफ पोजिशन, द सर्किट ब्रेक्स एंड द बल्ब स्टॉप ग्लोइंग। और जैसे ही आप ऑफ पोजिशन में ले जाते हैं स्विच को, तो यहाँ का जो मेटल जिसने कनेक्ट किया था वो पीछे हो जाता है। ठीक है, वो पीछे होता है तो सर्किट ओपन हो गया, ओपन सर्किट के अंदर बल्ब ग्लो नहीं करता। अ टॉर्च कंटेन्स अ स्मॉल कर्व्ड मिरर कॉल्ड रिफ्लेक्टर। अब टॉर्च के अंदर एक कांच लगा हुआ होता है। आप चाहे तो अगर घर में टॉर्च हो तो देखना, एक कर्व्ड मिरर लगा हुआ होता है, ऐसा मुड़ा हुआ मिरर लगा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर बोलते हैं, विच इज प्लेस्ड बिहाइंड द बल्ब, जो कहाँ होता है, बल्ब के पीछे होता है। आपको यहाँ डायग्राम में दिखाना था इसलिए उन्होंने यहाँ पर बल्ब के साथ में बताया, बट एक्चुअल टॉर्च में क्या होता है, बल्ब के वो पीछे होता है। इट रिफ्लेक्ट्स एंड फोकसेस द लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द बल्ब। और ये क्या करता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तभी तो हमें टॉर्च जब हम जलाते हैं तो हमें लाइट सीधी सीधी नजर आती है। अगर वो रिफ्लेक्टर नहीं होगा तो हमें टॉर्च, हमें सीधी वो लाइट जो है वो नजर नहीं आएगी। फिगर 12.9 रिप्रेजेंट्स अ टॉर्च। ये टॉर्च को पूरा यहाँ पर आपको बता दिया गया। ठीक है, नाउ आज का आपका होमवर्क रहेगा ये नॉलेज चेक के, ट्रू फॉल्स आपको करेक्ट करना, ट्रू फॉल्स लिखना है, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट ये जरूरी नहीं है। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि ये फॉल्स क्यों है, लिखना जरूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक आज का, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। देखते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। Have you noticed that only metal wires are commonly used to make electric circuit? आपने ये तो देख ही लिया कि मेटल वायर्स का ही यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में। What if cotton thread और प्लास्टिक स्ट्रिंग्स आर यूज इन सर्किट? क्या हम यह मेटल वायर की जगह धागे लगा सकते हैं, अपने प्लास्टिक की स्ट्रिंग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, वो आपको पता ही है, बट देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी में आपको दिखाया गया है। Let us perform an activity to check what materials can be used to electric circuit so that the current can pass through. अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि कौन से ऐसे मटेरियल है जो करंट को पास होने देते हैं और कौन से ऐसे मटेरियल है जो करंट को पास नहीं होने देते। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी देखिए हम क्या है। टू टेस्ट वेदर अ गिवन मटेरियल अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। क्या है? ये मटेरियल हमें पास करने देता है इलेक्ट्रिसिटी को? देखें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड, अ सेल, अ बल्ब, कनेक्टिंग वायर्स, क्रोकोडाइल क्लिप, अ कार्डबोर्ड शीट, मटेरियल सच एज मेटल स्पून, कोम, इरेजर एंड टूथपिक। अलग अलग चीजें आपको यहाँ पर ले लेना है। अब यहाँ क्या दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आपको एक्टिविटी हमेशा बड़ों के सुपरविजन में ही करना है, अडल्ट के सुपरविजन में ही करना है, प्रेजेंस में ही करना है। ठीक है, अब देखिए प्रोसीजर क्या है। कनेक्ट द बल्ब एंड द सेल विद कनेक्टिंग वायर एंड फिक्स देम ऑन द कार्डबोर्ड शीट। एट द एंड ऑफ द वायर कनेक्ट क्रोकोडाइल क्लिप, क्रोकोडाइल क्लिप्स आते हैं जो इजिली वायर को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो मिल जाते हैं मार्केट में, अगर आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वो ले सकते हैं। कनेक्ट ईच ऑफ द मटेरियल लिस्टेड इन द टेबल बिटवीन द क्रोकोडाइल क्लिप। सारे मटेरियल को आपको कनेक्ट कर देना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द बल्ब इन द सर्किट इन ईच केस। अब एक एक केस आपको करना है। पहले आपको मेटल स्पून कनेक्ट करना है। ठीक है, ये यहाँ पर जो जगह दिख रही है ना, यहाँ पर आप पहले मेटल स्पून कनेक्ट कर दीजिए। क्या बल्ब ग्लो होता है? अगर ग्लो होता है तो यस लिखना है, नहीं होता तो नो लिखना है। कॉम्ब, इरेजर और टूथपिक, ये सारी चीजें आपको कर लेना है।
नाउ कंक्लूजन क्या दिया है, द बल्ब विल ग्लो इफ द मटेरियल कनेक्टेड बिटवीन द क्रोकोडाइल लिप अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट. द बल्ब विल नॉट ग्लो इफ इट डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट. अगर बल्ब यहाँ पर ग्लो करता है तो मतलब कि जो भी यहाँ मटेरियल आपने लगाया है इस जगह पर वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है, और अगर वो बल्ब ग्लो नहीं करता है तो मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर रहा. ठीक है. From the above activity, we conclude that some material let the current pass through them while some do not. अब उन्होंने activity perform कर ली और हमें पहले से ही पता है कि कौन सा material जो है वो electricity pass कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता. ठीक है. Based on this, materials can be classified into two groups, conductors and insulators. अब इसके basis के ऊपर material को दो group में रखा गया, conductor और insulators. पहले से पता है आपको conductor क्या होते हैं, ऐसे materials मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कंडक्टर्स आर द मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, या इलेक्ट्रिक दे अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. ओके, दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स. मटेरियल सच एज कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये सारे मटेरियल क्या है, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ इंसुलेटर्स, द मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. मटेरियल सच एज प्लास्टिक, वुड, रबर एंड कॉटन आर इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मतलब आपको यहाँ पर जो एक्टिविटी थी उसके अंदर पता चल गया है कि कोम, इरेजर और टूथपिक ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते, ये क्या है, इंसुलेटर. क्योंकि यहाँ पर लिखा उन्होंने रबर, कॉटन, प्लास्टिक. ठीक है, अब कोम प्लास्टिक का होता है, इरेजर रबर का होता है, टूथपिक वुड की होती, तो ये करंट को पास नहीं होने देते. तो यहाँ पर सिर्फ एक्टिविटी में क्या हुआ, मेटल स्पून से ही करंट पास हुआ है, बाकी किसी चीज से करंट पास नहीं हुआ. ठीक है. बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. कंडक्टर और इंसुलेटर्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कॉम मतलब बेटा कंघा, कंघा करते हैं ना वो, कॉम कहते हैं उसे. बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स बहुत जरूरी होते हैं हमारे लिए, सर्किट कंप्लीट करने के लिए भी और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी. ठीक है. इलेक्ट्रिक वायर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर मेड यूजिंग बोथ कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब जो ये वायर है, आपको ये जो वायर आप यूज करते हैं सर्किट बनाने में, इसमें दोनों चीजें यूज होती है, कंडक्टर भी यूज होता है और इंसुलेटर भी यूज होता है. ठीक है. कंडक्टर मतलब जो करंट को पास करेगा, इंसुलेटर यूज किया जाता है ताकि इसको कवर करके रखे, हमें शॉक ना लगे. मेटल वायर्स आर यूज्ड एज कंडक्टर दैट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम, व्हाइल रबर और प्लास्टिक कोटिंग अराउंड द कंडक्टिंग वायर एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक. अब मटेरियल जो कंडक्टर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं, बट जो इंसुलेटर्स है वो प्रोटेक्शन, हमारी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ताकि हम अगर उस वायर को यूज कर रहे हैं तो हमें, अगर हम प्लास्टिक साइड से पकड़ जाएंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा, और अगर शॉक नहीं होगा, अगर आगे साइड से पकड़ेंगे तो वहां पर हमें शॉक लग सकता है. इसलिए आप जब भी अगर कभी देखें घर में अगर कुछ काम करना होता है तो वो पहले रबर के वाले पार्ट को छीलते हैं, अगर मोटा वायर होता है तो वो ब्लेड से छीलते हैं, या पतला होता है तो मुंह से खींच लेते हैं, उन लोगों को तो आदत होती है. फिर वो वायर को उतना ही यूज करते हैं, मतलब उतना ही निकालते हैं वो जितना उन्हें वो फोल्ड करने में या कनेक्ट करने में काम आए, एक्स्ट्रा वो नहीं निकालते. ऐसा तो है नहीं पूरा का पूरा वायर का रबर निकाल दिया, वो नहीं करते. ठीक है. Similarly, electric switches and many other electrical appliances that we use in our homes have rubber or plastic coating. अब जैसे सबसे अच्छा example आपके switchboard. Switchboard में अंदर सारी वायरिंग रहती है, ऊपर तो प्लास्टिक रहता है. कभी ऐसा हुआ बटन चालू करते वक्त आपको करंट लग जाता है? नहीं होता ना, बटन आप इजिली ऑन कर लेते हैं. हाँ, अगर वो जो प्लग्स होते हैं अगर उसके अंदर आपने उंगली करी है तो आपको वहां करंट लग सकता है. क्यों लग जाता है वहां करंट? क्योंकि वहां पर कोई भी प्लास्टिक कोटिंग अंदर साइड पे नहीं है, ऊपर की साइड पे रहती है प्लास्टिक कोटिंग, अंदर में नहीं होती. ठीक है. तो इसीलिए, और जैसे कि टोस्टर्स हुए हैं, पैन होते हैं, इंडक्शन हुए हैं, तो इन सब में भी यही होता है, ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग रहती है ताकि आप इजीली उन चीजों को यूज कर पाए, और बाकी जगह पर नहीं होती. क्योंकि अगर आप वहां हर जगह अगर मेटल लगा हुआ तो आप फिर चीजें यूज नहीं कर सकते हो, फिर आपको ग्लव्स वगैरह पहनना पड़ेंगे, फिर आप यूज कर सकते हो. ठीक है. अब देखते हैं क्या दिया यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स एंड सेफ्टी. क्या क्या इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स है, उनकी सेफ्टी कैसे करना है आपको देखिए. ऑल्दो इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी यूजफुल इन आर डेली लाइफ, इट कैन बी डेंजरस इफ नॉट हैंडल केयरफुली. हर वो चीज
हमारी लाइफ में हर चीज इम्पॉर्टेंट है। कब तक? जब तक हम उसे सही तरीके से यूज करते हैं या हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं तब तक वो हमारे काम की, अदरवाइज हमारे लिए वो एक डिजास्टर बन सकती है, एक डेंजरस चीज बन सकती है। जैसे कि पानी, ठीक है, पानी जब तक आप अच्छा से यूज कर रहे हैं ठीक है, आपने यूज कर दिया, अगर आप पानी वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बाद में आपको पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी है तो उसमें भी यही होता है, आप अगर उसको ढंग से यूज कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, वरना वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जब भी हैंडल कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों को, आपको तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ ऑन और ऑफ करने के काम होना चाहिए, आपके उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना चाहिए। डो नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ना खेलें, जैसे कि घर में टोस्टर है तो उसमें उंगली ना डाल दें अपनी, क्या पता गर्म हो। ठीक है, ऐसे ही मिक्सर अगर है तो कोई ऑन ना कर दे, क्योंकि हमारे यहाँ एक बच्चे ने यही किया था, मतलब मेरा कजिन का बेटा है वो, तो उसने यही किया था। उसने क्या किया कि मम्मी उसकी किचन में थी और उन्होंने मिक्सर में रखा हुआ था टमाटर पीसने के लिए रखे हुए थे, उसने आकर उसने उन्होंने ढक्कन नहीं लगाया हुआ था, उसने आकर उसका बटन घुमा दिया तो सारे टमाटर पूरे किचन में उड़ गए। वो किसी काम से सिर्फ थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए वो साइड में हुई और वो घूम गया। वो तो अच्छा, वो उसको करंट नहीं लगा, पर नुकसान तो हुआ ना, मिक्सर खराब हो गया सबसे इम्पोर्टेंट। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपको तो यूज करना ही नहीं। ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर फॉर यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। अब ह्यूमन बॉडी क्या है? कंडक्टर, मतलब हमारी बॉडी से भी करंट पास होता है। जैसे आपने एक मूवी में देखा होगा, हंगामा मूवी है, पुरानी मूवी, वो मतलब ज्यादा पुरानी नहीं है, तो उसमें ये था, एक बंदे को करंट लगता है, मेन स्विच को टच करता तो वो हिलता रहता, तो बाकी जो उसको आके कनेक्ट करते हैं ना, उसको रोकते हैं, तो उन्हें भी करंट लगता था। मतलब क्या, वो उन्होंने मूवी के थ्रू बता दिया कि ह्यूमन बॉडी क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हमें शॉक लग जाता है। ठीक है, डू नॉट प्लग एनी सॉकेट टू अ सिंगल प्लग और एक्सटेंशन। ठीक है, कभी भी मेनी सॉकेट्स टू अ सिंगल प्लग और एक्सटेंशन, इट मे ओवरलोड एंड डैमेज द सर्किट एंड मे कॉज अ स्पार्क विच वुड लीड टू फायर। अब कभी भी आपको एक ही, जैसे आप एक्सटेंशन दिए रहते हैं ठीक है, बहुत सारे, जब इसमें एक साथ लगा तो उसके अंदर बहुत सारे कनेक्ट ना करें, हाँ कभी थोड़ी देर के लिए करें ठीक है, बट रोज अगर आप उसको कनेक्ट करके रखेंगे तो हो सकता है कि लोड बढ़ जाए, ओवरलोड हो जाए, ओवरलोड होने की वजह से फायरिंग हो सकती है, स्पार्क नहीं कर सकते और आपकी सारी चीजें डैमेज हो सकती है। अनप्लग्ड ऑल कॉर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज व्हेन नॉट इन यूजेस। यूज नहीं है तो कॉर्ड जो है उनके निकाल के रखें, मतलब प्लग्स को, प्लग के वहां से आप वायर को निकाल के रखें ताकि कोई और उसको यूज ना कर ले और इलेक्ट्रिसिटी का भी वेस्टेज ना हो। ठीक है, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विथ वेट हैंड्स। वेट हैंड से कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को टच नहीं करना है, बिकॉज वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। वाटर भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो उससे आपको करंट लग सकता है। ठीक है, ऑलवेज कीप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अवे फ्रॉम वाटर। वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मे कॉज शॉर्ट सर्किट अपॉन एंटरिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। अब अगर पानी के अंदर चीजें रख देंगे, पानी का छीटा भी अगर लग जाता है चीजों पर तो खराब हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को आपको पानी से दूर रखना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि पानी के अंदर, जैसे कि वो है अपने कूलर के अंदर जो मोटर लगी होती है ठीक है, तो वो पानी के अंदर रहती है बट उसके ऊपर कवरिंग रहती है, इस वजह से उसे पानी में रखते हैं, बट वो भी हमें हर 2 या 3 साल में उसे चेंज करना पड़ता है। अब जो घर पे जो मोटर होती है पानी चढ़ाने की, उसको भी कवर करके रखना चाहिए, अगर उसके अंदर पानी चला गया तो वो भी खराब हो सकती है। व्हाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑलवेज वियर रबर शूज एंड ग्लव्स। कभी भी अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का काम कर रहे हैं, वैसे आपको तो कोई काम नहीं होता, बच्चों को कुछ होता नहीं है काम इतना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का, पर अगर आपके घर में कोई काम करता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का, तो उन्हें बोले कि रबर शूज पहने और ग्लव्स भी पहने ताकि आप सेफ रहे। नेवर टच फॉल्टी वायर्स। कभी भी फॉल्टी वायर्स को टच ना करें। फॉल्टी वायर्स मतलब ऐसे वायर निकले होते हैं ना, इन्हें कभी भी टच ना करें, इससे इजिली करंट लग सकता है, क्योंकि इंसुलेटर जो है वो अलग हो चुका है, बचा क्या है यहाँ पर, सिर्फ कंडक्टर। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर, हमारा चैप्टर आज खत्म हो गया है। बुक एक्टिविटीज और क्वेश्चन आंसर्स तो आपको मिल चुके हैं, बुक एक्टिविटीज आज आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये था हमारा पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगी।